हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर, आप सभी लोगों का मुनेश्वर देवनंदन यादव महिला पीजी कॉलेज बिलरियागंज आजमगढ़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स में सेकेंड वाले पेपर में पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो जो दोस्तों पहला वाला चैप्टर है वो है फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। तो दोस्तों, हम लोग इसको जानने से पहले फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग उसके डेफिनेशन पे आएंगे। तो धीरे धीरे एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसमें दिया है कि फंडामेंटल ऑपरेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दोस्तों, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा ऑपरेशन के, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो आपको पता है कि उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड यूनियन, इंटरसेक्शन, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं। बट यहाँ पे फंडामेंटल ऑपरेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत यहाँ पे चार चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। पहला जो है वो एडिशन है, एंड सेकेंड सब्ट्रैक्शन, एंड थर्ड मल्टीप्लिकेशन, एंड फोर डिवीजन। तो हम ये जानेंगे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर बाइनरी ऑपरेशन प्लस अगर आता है तो वहाँ पे क्या मिलेगा, अगर माइनस आता है या मल्टीप्लिकेशन आता है या डिवीजन करके आता है तो वहाँ पे उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखें, एक आपको यहाँ पे दिया गया है ए प्लस आई बी एंड प्लस सी प्लस आई डी। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी, ये चीज़ यहाँ पे दोनों जगह ब्रैकेट है आपका इस तरीके से। तो अगर हम इस ब्रैकेट को अगर यहाँ से हटाएँ तो आपको एक चीज़ पहले से पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मीन्स कम्यूट करता है, इट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए अगर हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है, इट मीन्स अगर हम चाहें तो इतने को आई बी प्लस सी है तो हम चाहें तो सी को यहाँ पे ला सकते हैं, आई बी को इधर की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए प्लस सी एंड प्लस आई बी प्लस आई डी, ये चीज़। या यहाँ से आप आई को भी बाहर कर सकते हैं, तो अगर आप यहाँ से अगर आई को बाहर करें तो यहाँ पे आपका मिलेगा b प्लस डी। तो दोस्तों, यहाँ पे बस यही कहा गया है कि a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी अगर है तो इसके इक्वल में a प्लस सी प्लस आई बी प्लस डी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे बस ये जानेंगे कि जो एडिशन है वो कम्यूट करता है, कम्यूटेटिव ला को होल्ड करता है। इसी क्रम में अगर हम ये देखें तो a प्लस आई बी है माइनस सी प्लस आई डी है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप ब्रैकेट हटा सकते हैं, यहाँ पे भी ब्रैकेट हटा सकते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ आप चाहें तो माइनस को आप लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आपका माइनस आ जाएगा। तो फिर जैसे आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, अगर आप उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपका यही आ जाएगा। अब दोस्तों, आइए हम लोग इसको समझते हैं, थर्ड वाला। इसको आप कर सकते हैं, बहुत आसान है ये। तो थर्ड वाले को समझते हैं। तो थर्ड वाले में दोस्तों मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात किया गया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे है थर्ड वाला मल्टीप्लिकेशन वाला, ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस है उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए का अगर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए सी मिल जाएगा, और ए का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस ए इंटू आई डी, एंड प्लस आई बी का इसके साथ प्रोडक्ट करें तो यहाँ पे आपका आएगा आई बी इंटू सी, एंड इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस आई स्क्वायर बी डी, आई स्क्वायर बी डी। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट है, ये भी आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं तो आप इनको चाहें तो एक साथ कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे आई स्क्वायर आ रहा है, यानी जब भी आई स्क्वायर आता है, आई को हम जनरली आयोटा पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा बहुत डिटेल से। तो
यहाँ पे आई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं माइनस वन, तो आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो आपकी माइनस वन होती है। इट मीन्स आप चाहें तो यहाँ पे माइनस वन यूज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा ए सी प्लस, और चाहें तो आप इस रिजल्ट को यहाँ से आप आई को कामन कर सकते हैं, तो आई को जब यहाँ से कामन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस बी डी, क्योंकि आई स्क्वायर की जगह आपने माइनस वन का यूज किया है। तो चूँकि ये कम्यूट करता है तो आप चाहें तो इस चीज़ को इधर की तरफ लेकर आ सकते हैं, इसको आप उधर की तरफ ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी माइनस बी डी। तो ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो दोनों रियल पार्ट को हमने क्या किया, कंबाइन कर लिया, एक साथ कर लिया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए सी माइनस बी डी एंड प्लस आई ए डी प्लस बी सी, या आप बी सी को पहले भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए सी माइनस बी डी यहाँ पे लिखा है प्लस आई एंड बी सी प्लस ए डी। तो आप जानते हैं कि जो रियल नंबर का सेट होता है उसमें भी एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है, इट मीन्स इस बी सी को पहले लिखा जा सकता है और ए डी को बाद में। तो हम अगले वाले स्टेप में लिख सकते हैं ए सी माइनस बी डी प्लस आई बी सी प्लस ए डी। आप इसके आगे यहाँ पे लिख सकते हैं बाई कम्यूटेटिव लॉ या एडिशन इज कम्यूटेटिव, ऐसे यहाँ पे चाहें तो आप लिख सकते हैं, और तब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा कि ये चीज़ कैसे आ रहा है इसके बराबर, हालांकि आपने ये बहुत जनरली, आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी जनरल चीज़ है और है भी, क्योंकि ये लगातार आप इस तरह की चीज़ें करते आए हैं पहले से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में हमने इसको ये दिखा दिया कि इतने के बराबर ये कैसे आया है, और उसी तरीके से यहाँ पे डिवीजन के रूप में भी हम लोग जानेंगे कि इसके बराबर ये रिजल्ट कैसे आएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे a प्लस आई बी है, a प्लस आई बी पाँच सी प्लस आई डी है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज हो रहा है वो डिवीजन यूज हो रहा है। तो जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है उस डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे अगर a प्लस आई बी है, a प्लस आई बी को अगर हम z लिख रहे हैं, तो अगर हम इसके कॉन्जुगेट की बात करें तो ये देगा a माइनस आई बी जेड बार। तो यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, तो हम कहेंगे कि इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट ये है। तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका जो कॉन्जुगेट होगा उसी कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पे माइनस बस आ जाएगा, तो जो भी यहाँ पे रिजल्ट है आप इसको लिख लेंगे a प्लस आई बी लिखेंगे आप, और इसका कॉन्जुगेट जो है वो c माइनस आई डी होगा, तो c माइनस आई डी हम यहाँ पे लिखेंगे अपान, यहाँ पे c प्लस आई डी तो पहले से है, और आप देख रहे हैं कि जब ऊपर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा c माइनस आई डी, ताकि ये सेटिस्फाई करें, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि अगर यहाँ पे प्लस है तो कहीं ना कहीं माइनस आएगा आपका मल्टीप्लाई करने के दौरान, जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया है, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे आपका प्लस आएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसका इसके साथ प्रोडक्ट करें, जनरली जैसे प्रोडक्ट किया गया है, तो जब आप इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आपका ये देगा ए सी और माइनस माइनस आई ए डी एंड प्लस आई बी सी एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर बी डी। तो इसमें क्या किया गया दोस्तों, इसमें बस जनरली प्रोडक्ट किया गया है अपन, और यहाँ पे देख रहे हैं ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म का है, आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट ये इसको हम थोड़ा सा और आसान बनाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ए प्लस आई बी हो या ए प्लस बी ए माइनस बी हो, तो इसके इक्वल में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा सी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर का मतलब आई का स्क्वायर होगा इंटू डी का स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म का है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर माइनस ये आई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आई स्क्वायर दिख रहा है आई स्क्वायर, अब उस आई स्क्वायर की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब आई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आई स्क्वायर का जो मान होता है वो माइनस वन होगा। तो अगर यहाँ पे माइनस वन रखते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी पहले से, तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इट मीन्स ये प्लस हो जाएगा। तो ए सी माइनस आई ए डी प्लस आई बी सी एंड प्लस बी डी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस यहाँ पे आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की भी वैल्यू आप यहाँ पे माइनस वन रखेंगे तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर यहाँ पे बल्कि डी स्क्वायर हो जाएगा। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका ये आ गया। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या चीज़ है, आपका ए सी प्लस बी डी है, इसका मतलब ये है कि रियल पार्ट को कहीं ना कहीं आपको एक साथ करना होगा, तो ए सी प्लस बी डी को आप एक साथ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ए सी प्लस बी डी एंड यहाँ पे देख रहे हैं आई बी सी है एंड माइनस आई ए डी है, तो यहाँ पे बी सी को पहले वो रखा है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया है, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से आप आई को कामन कर ले पहले प्लस आई, तो अगर आई कामन करते हैं तो दोनों में से कामन होगा तो यहाँ पे माइनस ए डी आएगा प्लस बी सी आएगा, तो प्लस वाले टर्म को पहले लिख ले रहे हैं तो प्लस बी सी माइनस ए डी एंड होल अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया जनरली और आपका ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग टर्म में क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो जब आप इसका इस वाले टर्म में डिवाइड करेंगे तो ये देगा ए सी प्लस बी डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा प्लस। इमेजिनरी पार्ट में आप डिवाइड करें तो इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बी सी माइनस ए डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे ये आ गया, तो हमने इसको बताया कि कैसे कैसे ये आ रहा है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप आई स्क्वायर की वैल्यू जानते रहेंगे कि आई स्क्वायर की वैल्यू जो है माइनस वन होती है और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। तो बस यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं वो किस तरह से अपना काम करते हैं यहाँ पे, उसी के बारे में बस ये जिक्र किया है। तो अगर जैसे डिवीजन है तो डिवीजन की प्रक्रिया में क्या है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा उसी के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में और फिर उसको सॉल्व करने के बाद ये लास्ट में आपका ये आ जा रहा है, तो यही इसी के बारे में बात किया है। दूसरी यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन में भी आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई किया है, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद वो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे रिजल्ट आया है। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा आपका डिफ़िकल्ट नहीं है, ये काफ़ी इजी है। तो आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत आपका बहुत आसान है, आपको ये काफ़ी इजी लगा होगा।